निर्मला जी, आपने अपना जब आप छोटी थी तो 8 साल की उम्र में आपने कहीं हमने पढ़ा है कि आप खेतों पर जाया करती थी, घास भी काटा है आपने, और 13 वर्ष की कम उम्र में आपकी शादी भी कर दी गई। वहां से लेकर के आज आप एक परगना की मुखिया हैं। आपने जो जंग छेड़ी है उससे बहुत लोगों को हिम्मत मिली है। ये बचपन वाली जर्नी के बारे में कुछ बताइए। स्त्री कहीं ना कहीं विवश है, कहीं ना कहीं मजबूर है, अपने ही घर आंगन में, अपने ही घर देहरी पर वो विवश है। घर बाहर, घर से बाहर जाना पड़ता है अपने बच्चों को कमा के खिलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, या यूं कहिए कि उनके अपने पति के लिए भी। दारू, ताड़ी, मुर्गे, तंबाकू का जुगाड़ करने के लिए भी जाते हैं। अरे तो बाप, इसलिए जी, बिल्कुल, तंबाकू अगर वो नहीं जुगाड़ करती है तो उनको कमा के जब लाती है, नहीं लाई और घर में उनके लिए दारू या खैनी तंबाकू नहीं हुआ, तो मर्द क्या करते हैं, उसको पीटने लगते हैं। वहां की स्त्रियां इस तरह से, आदिवासी स्त्रियां बर्दाश्त करती हैं। जहां से आपने शुरुआत की, आपका जो बचपन रहा, आपके जो यूथफुल डेज रहे, चाइल्डहुड और यूथफुल डेज रहे, वो ऐसे तो नहीं थे, वो कैसे थे प्लीज बताइए। एक जो आदिवासी परिवार में एक अलग तरह का पेट्रियार्की है, वहां भी हम ये जानते हैं कि वहाँ स्त्रियों के लिए थोड़ी स्वतंत्रता है और स्त्रियां काम कर सकती हैं और बाहर निकल सकती हैं। इसके बावजूद भी समाज के भीतर ये पितृसत्तात्मक बिहेवियर वो स्ट्रांगली है, और वो सबको ऐसा देखती थी जैसे कि बाकी लोग, ये सारे के सारे पुरुष लोग पागल पागल हो गए हैं, और मेरी माँ को लगता था कि एक मैं ही हूँ जो इसको इसको इनको बचा 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 सकती हूँ। तो मुझको तो और उसको मैंने कभी भी रिएक्ट करते नहीं देखा, कभी भी पलट के गुस्सा होते हुए भी नहीं देखा। तो मैंने वहां से अपने आप को ढूंढना शुरू किया। अरुणा जी से बात करते हैं। अरुणा गोगला मंडा, आई प्रोबेबली हैव टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड द अदर पैनलिस्ट्स। व्हाट वाज दैट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ व्हिच मेड यू राइट फॉर दलित विमेन? Thank you again, Kena, for bringing me here. To start with my journey, my father is a powerful communist and he used to all the time fight with the negatives of the society. And that's how I have been brought up in a very responsible situation at my home. Mm-hmm. And my father was the only one who never told me so far that I am a girl and I have to be under a certain limitation. I had so many thoughts I wanted to express. That's how I had. That's a great struggle, all alone. I had to understand the horrifying facts of outside all this, and I had to started to write and speak and whatnot. I am an activist, and I'm writing so powerfully for my people, for Dalit women or every oppressed woman, and I'm fighting on behalf of them. पुरुष जब लड़ते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस निकल जाते हैं, सीमा पर चले जाते हैं, सड़क पर उतर आते हैं, पर जब स्त्रियां लड़ती हैं तब वे क्या करती हैं? वे उनकी छोड़ी हर चीज को सहेजती हुई लड़ती हैं, उनके बच्चों को संभालती हुई लड़ती हैं, वे उनसे प्रेम करती हैं, इसलिए उनके घर न लौटने पर सड़कों पर उतर आती हैं और किसी अनिश्चितकालीन धरने में बदल जाती हैं। She was told not to wear a blouse, to allow every male to watch her as a device. She was told to bend her back and not walk straight, to feel the tender tummies keeping herself weight. She was told to toil all day long at her hut or in her master's field as a human machine deprived of food and water. She was told to gulp the pain of not feeding the starving baby, though her lactating breast pined to quench its thirst. She was told to take the cruel thrashings, the jeers and the sexist assaults of her man or her master on her body, which she hardly knew that she has won as her own. The sun feeds on her all day long, and the landlord consumes her blood and beauty till life goes on, whom he calls and considers mere mud after satiating his fleshy hunger. She was told that she is a bad woman, like a bloody sanitary pad, which is used but hated with disgust. Her eyes are two dry hollows which tell several stories of countless deaths
of her mothers and daughters in the fields on the roads, paying the price of being a female in a cursed clan. Her unkempt hair, a torn piece of cloth hardly covering her body, her roughened hands, her cracked heels, her wrinkled face that overplays her age. I hardly had any voice to tell her the saga of years and years, of how they lived in countless insults and fears, of how they died day after day as living corpses. She was dirt, she was filth, she was an object of contempt and insult, and in this country of thousands of goddesses, she was called a Dalit. अच्छा आप निर्मला जी की प्रॉब्लम आप सुनिए हम और आप कितने एडवांस्ड और प्रिविलेज्ड कंडीशन में हैं कि हम यहाँ पर बैठ करके आपसे बातचीत कर पा रहे हैं अभी अभी मेरी उनसे चैट पे बात हुई वो जहाँ हैं दुमका में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है नेटवर्क फैसिलिटी नहीं है सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम इज कि जब विषम परिस्थितियां कहते हैं ना तो हम सिर्फ पढ़ते हैं तो अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि एक्चुअली वो परिस्थितियां क्या है और वहां पर रहकर उससे जूझते हुए इतना उम्दा काम एक मशाल जलाना बहुत बड़ी बात है तो हमारी तरफ से आप सभी को इस्तकबाल है आपका इस मंच से वो तो नहीं है उनकी कविता हम आपको पढ़ के सुनाते हैं ऊपर से काली भीतर से अपने चमकते दांतों की तरह शांत धवल होती है वे जब हंसती है फेनल दूध सी निश्चल हंसी तब झर झरा कर झरते हैं पहाड़ की कोख में मीठे पानी के सोते जूड़े में खोस कर हरी पीली पत्तियां जब नाचती हैं कतारबद्ध मांदल की थाप पर आ जाता है तब असमय बसंत Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.